सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हम कर रहे हैं। आज की क्लास में भी ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझेंगे, घर से रिवाइज करेंगे और याद भी इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसको हम आज की क्लास में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन अपना रखेंगे। चलिए सबसे पहले आयनिक यौगिक क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उनमें से कुछ तो धातुएं हैं और कुछ अधातुएं हैं, कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब होता क्या है कि जब धातुएं अधातुओं के साथ क्रिया करती हैं, धातुएं अधातुओं के साथ क्रिया करती हैं, तो वहां पर एक स्पेसिफिक बॉन्ड द्वारा वो जुड़े होते हैं, एक स्पेसिफिक बॉन्ड द्वारा वो जुड़े होते हैं। देखो होता क्या है, जो धातु होती है यानी जो मेटल्स होते हैं, समझना इस बात को, अभी आपको आयनिक बंध समझ में आ जाएगा। धातुओं का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन दान करना, इनकी प्रवृत्ति होती है। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इनकी टेंडेंसी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की। और अगर मैं बात करूं अधातुओं की यानी नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को उधार लेने की। तो इलेक्ट्रॉन बोरो करने की या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है वो किस में होती है, अधातुओं में होती है, ठीक है। जब कोई तत्व, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो धातुओं के ऊपर इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा, उसके ऋण आवेश में अधिकता आ जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब ये धनावेश और ऋण आवेश जो है विपरीत आवेशित हमारे पास कण हो जाते हैं, फिर विपरीत आवेशित हमारे पास परमाणु हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम आयंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, इनको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं बेसिकली। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश आ जाता है तो फलस्वरूप जो आयन बनते हैं उसको हम धन आयन और ऋण आयन कहते हैं, धन आयन और ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, धन आयन बनता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बनता है ऋण आयन, ठीक है, धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। धनायन और ऋणायन जो है बनने के फलस्वरूप ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और धनायन और ऋणायन से मिलकर बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं। आप इसमें फिर ये लिखेंगे कि ये आयन विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन किसके द्वारा जुड़ करके, आयनिक बंध के द्वारा जुड़ करके, के द्वारा जुड़कर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया आपको आयनिक यौगिक कैसे बना, भाई धातुओं ने इलेक्ट्रॉन दान किया तो धन आयन बनाया, अधातुओं ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋण आयन बनाया, ये अपोजिट चार्ज हो गए, विपरीत धन और ऋण दोनों क्या हो गए, विपरीत आवेशित आयन हो गए, दोनों के दोनों किस बंध के द्वारा जुड़े, आयनिक बंध के द्वारा, और जो यौगिक बना जुड़ने के बाद वो हो गया आयनिक यौगिक, ठीक हो गया, का निर्माण करते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए,
इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे जैसे देखो पहला उदाहरण Na प्लस, तो ये सोडियम आयन है, ये क्या है सोडियम आयन है, कैसा आयन है ये धन आयन है, ठीक है देख रहे हो आप इसके ऊपर धनावेश है तो सोडियम का धन आयन है ये, ठीक है। और Cl माइनस, Cl माइनस ये है क्लोरीन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन का आयन, इसको हम क्लोराइड आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम का आयन और ये क्लोरीन का आयन, ठीक है क्लोराइड बोलते हैं इसे वैसे ना, क्लोराइड, क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्लोराइड का आयन है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक पदार्थ बनता है हमारे पास NaCl, NaCl, NaCl क्या है इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, एक प्रकार का आयनिक यौगिक हो गया, समझ में आया। तो एक आयनिक यौगिक का उदाहरण दे सकते हैं आप सोडियम क्लोराइड, जो कि किस किस से मिलकर बना होता है, सोडियम के धन आयन से और क्लोराइड के ऋण आयन से, ठीक है ना, क्लोरीन के ऋण आयन से। और भी उदाहरण दे सकते हैं हम, ठीक है, और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम का जो आयन होता है वो होता है 2+, तो मैग्नीशियम का ये धन आयन है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का आयन है Mg2+, ठीक है। और क्लोरीन का हमने देखा कैसा आयन होता है, ऋण आयन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं क्लोराइड आयन। अब ये दोनों मिलेंगे तो देखो Mg के 2+ है, उसके लिए क्लोरीन के 2 आयन चाहिए होंगे, ठीक है। तो MgCl2 कैसा यौगिक हो गया, MgCl2 हो गया हमारे पास आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, इस प्रकार से हम आयनिक यौगिकों को बनना समझते हैं, बहुत आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं है। बस ध्यान देना है कि धातु और अधातुओं से मिलकर जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जो है हमको जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है, हमको जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है वो है इनके गुणधर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द डे है वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनके भौतिक रूप से किस प्रकार से दिखते हैं। सबसे पहला जो गुण है इनकी भौतिक प्रकृति की हम लोग चर्चा करते हैं, फिजिकल नेचर के इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, भौतिक प्रकृति। फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर में देखिए, सबसे पहले जो फिजिकल नेचर में हम जिस बात को पढ़ेंगे वो है कि यहां पर ये हमको आयनिक यौगिक जो है, हमको कठोर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, कठोर होते हैं और ठोस होते हैं, कठोर एवं ठोस। अब ये कठोर एवं ठोस होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि हमने देखा धनायन और ऋणायन से मिलकर ये बनते हैं, तो उसके कारण धनायन और ऋणायन जो है एक दूसरे को मजबूती से आकर्षित करके रखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे धन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण हमको ये कठोर और ठोस देखने को मिलते हैं, मजबूत आकर्षण बल के कारण, ठीक है। फर्स्ट चीज डिस्कस हो गई कि भौतिक प्रकृति इनकी कैसे दिखने वाली है हमको, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल नेचर हमको ये ठोस और कठोर दिखने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर कि ये भंगुर भी होते हैं, यहाँ पर नोट डक करके एक बात लिख लीजिए, ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब, बात करी है ना हमने, इंग्लिश में कहते हैं भंगुर को ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि अगर मैं इसको पीटूंगा हथौड़े से, है ना, तो ये टूट चूर चूर हो जाएगा, है ना, तो भंगुर होते हैं, थोड़ा सा दाब डालने पर ये टुकड़ों में
टूट जाएंगे, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है इनके गलनांक और इनके क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक और क्वथनांक से मतलब समझते हैं, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक की बातें करते हैं हम इसमें। गलनांक और क्वथनांक के ऊपर अगर बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, पहले तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत अधिक इनका गलनांक और क्वथनांक होता है, ठीक है। अब इसके बाद कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या है, रीजन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ना यहीं से पूछा जाता है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक बताओ ज्यादा होते हैं कम होते हैं, वहां पे लिखा हुआ आएगा अधिक होते हैं, पर आप ये बताएंगे क्यों होता है, ठीक है। तो रीजन हम लोग समझेंगे, हमने बोला यहाँ पर धनायन और ऋणायन के बीच में क्या बना, एक आकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना भाई, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जो आकर्षण बल बना है, जो आकर्षण बंध यहाँ पर जो लग रहा है, ये बहुत अधिक है। ये क्या है, बहुत अधिक है, इस वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या है, ये बहुत ज्यादा मजबूत है ना। जब कोई दो आवेश जो होंगे एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रखेंगे तो उनको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। गलनांक और क्वथनांक का सीधा सीधा मतलब जो होता है, बंध को तोड़ने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है, सीधा। अगर बंध मजबूत है तो गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा, अगर बंध कमजोर है तो गलनांक क्वथनांक कम होगा, सीधी सी बात। तो आप लिखेंगे इसमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कारण है कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दो पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं गलनांक क्वथनांक के बाद नई जिस प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा करेंगे वो है इनकी घुलनशीलता, इनकी घुलनशीलता। यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से आप क्या मतलब समझे, सॉल्युबिलिटी से सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप इनको जल में घोलेंगे या फिर किसी विलायक में इनका विलयन बनाएंगे तो ये घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, है ना। तो विलायक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। विलायक जो है हमारे पास, यहाँ साइड में लिख रहा हूं, जो विलायक होते हैं हमारे पास, विलायक, तो विलायक जैसे कि हमारे पास जैसे जल होता है, बेसिक जो विलायक होता है वो जल होता है, बेसिकली हम जल में इनको विलय करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा केरोसिन हो गया, ये ऑर्गेनिक विलायक होते हैं बोलते हैं हमने, पेट्रोल हो गया। तो हमने क्या देखा, अगर आप नमक को ले गए, है ना, NaCl क्या है, आपके घर में जो नमक है खाना बनाने वाला वही NaCl है, तो उसको आप क्या करना, उसको आप लेना, एक गिलास पानी लेना और उसमें घुलने की कोशिश करना, इजीली घुल जाएगा, है ना, आसानी से घुल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो आयनिक यौगिक हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसे जो विलायक होंगे इनमें ये अविलेय होंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जल में घुलनशील यानी सॉल्युबल होंगे, किसमें, इन वाटर में, ठीक है। जबकि जबकि केरोसिन हो गया, केरोसिन ऑयल, ठीक है, पेट्रोल हो गया आदि, इनमें ये जो है अविलेय होते हैं, अघुलनशील। या फिर इन
सॉल्युबल, ठीक है ना। तो घुलनशीलता का क्रम भी ध्यान रखेंगे। घुलनशीलता में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आयनिक यौगिक हैं तो जल में तो आसानी से घुल जाते हैं ना, सामान्यतः जनरली क्या होगा, जल में आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी केरोसिन पेट्रोल आदि विलायक की तो इसमें ये अघुलनशील रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है विद्युत चालकता, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है विद्युत चालकता को हमको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या फिर सिर्फ कंडक्टिविटी भी कह सकते। देखो विद्युत चालकता के लिए हमें सीधी सीधी बात जो है वो ये चाहिए कि जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, ये हमारे पास सामने रखा है जल, ये क्या रखा है, एक बर्तन में जल। अब ये कोई पदार्थ है एक्स वाई जेड कुछ भी है, अगर मैं इसे जल में डालूं, और जल में अगर ये आयनों में टूट जाता है, प्लस आयन और धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, अगर ये तो आयनों में टूट रहा है दैट मीन्स कि विद्युत का चालन इसमें संभव है, दैट मीन्स कि ये विद्युत चालक होगा, है ना, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर ये आयनों में नहीं टूट पा रहा है जल में डालने पर, आयन उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि ये विद्युत का चालक नहीं होगा, सिंपल इतनी सी कहानी होती है। आयनिक यौगिक बताओ किससे मिलकर बने, आयनों से मिलकर तो बने, धन आयन और ऋण आयन से मिलकर तो बने, यानी कि जब मैं जल में घोलूंगा तो हमने देखा जल में घुलनशील है, जल में मतलब कि जल में घोले जाने पर इन ये आयनों में टूट जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन में अलग अलग टूट जाते हैं, दैट मीन्स कि जो आयनिक यौगिक होंगे वो विद्युत के सुचालक होंगे, वो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे, ठीक है ना। तो जब हम पहले हम इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं कि विद्युत चालकता जो है हमें क्या काय के लिए जरूरी, किस चीज से हम समझते हैं इसको, ये चीज लिखते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता के लिए क्या क्या हमारे पास शर्त होनी चाहिए, विद्युत चालकता के लिए हमारे पास आयन, उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए किसी पदार्थ में, है ना। अगर आयन वो बना पा रहा है जल में घुलकर तो मतलब कि वो विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज विद्युत, हम कब बोलते हैं विद्युत का प्रवाह हो रहा है ना, तो विद्युत के चालन के लिए, विद्युत का चालन से क्या मतलब हमारा, विद्युत का चालन अर्थात आयनों की गतिशीलता, आयन यानी कि जो आवेशित कण है, आवेशित जो धन और ऋण है ना वो आयन है, या फिर आवेशित कण उन्हें कह सकते हैं, आवेशित कण की गतिशीलता है ना, उनका मूवमेंट जो है नेसेसरी है, तभी जाकर के हम कहेंगे कि विद्युत का चालन संभव हो पा रहा है, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो विद्युत का चालन होना चाहिए। अब जब हम क्या करते हैं, जब किसी आयनिक यौगिक को हम जल में घोलते हैं या फिर उसका विलयन बनाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो आयन जो है अपने अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ भागने लगते हैं। मतलब जैसे देखो, जैसे सपोज हमने ये धन इलेक्ट्रोड है और ये ऋण इलेक्ट्रोड है सपोज, अब हमने इसे पानी में क्या है विलयन बनाया आयनिक यौगिक का, तो आयनिक यौगिक में भी हमने क्या बोला था कि ये धन और ऋण में टूट जाते हैं, है ना। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा अप्लाई करेंगे तो जो ऋण वाले जो ऋणावेशित जो कण होंगे या फिर जो ऋणायन होंगे वो इस वाले टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करेंगे क्योंकि ये धनावेशित है, और धन वाले जो होंगे इस ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये भागेंगे मतलब क्या हो रहा है, आवेशित कण गति कर रहे हैं, मतलब कि विद्युत का चालन संभव हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है चेक करते हैं। यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आयनिक यौगिक सिर्फ तभी विद्युत का चालन करेंगे जबकि वो गलित अवस्था में यानी कि मोल्टन स्टेट में हो, ध्यान रखेंगे इस बात को। आयनिक यौगिक केवल गलित अवस्था में ही यानी कि मोल्टन स्टेट में ही
मैं ही विद्युत का चालन कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था की, अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था में अगर आयनिक यौगिक हो, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में विद्युत का चालन नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आयनिक यौगिक जो है विद्युत के चालक तो होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होते हैं, लेकिन कब? जब वो गलित अवस्था में होंगे, जब वो मोल्टेन स्टेट में होंगे, जब वो ठोस अवस्था में रहेंगे, उस स्थिति में आयनिक यौगिक जो है विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक हो गया। चलिए, तो ये था हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से जो है एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखो अभी क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने एज इट इज। जो है हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक के उच्च होने के पीछे क्या कारण आपको बताया गया था? आयनिक यौगिकों के, देखो गलनांक और क्वथनांक में मैंने ये बात करी थी आपसे कि जब भी हम किसी पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक को डिसाइड कर रहे होंगे, हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए उसके अंदर जो बॉन्ड बना है, उसकी जो परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बना है वो किस प्रकार का है, है ना। जिन जिन अणुओं से या फिर जिन परमाणुओं से या फिर जिन आयनों से मिलकर वो बना है, वो बंध जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, अगर वो बंध जो है ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, इसीलिए जो गलनांक और क्वथनांक होंगे वो उच्च होंगे। ठीक है ना, अगर जो बॉन्ड बना होगा वो वीक होगा यानी कमजोर होगा, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको तोड़ने के लिए, इसीलिए वहां पर गलनांक क्वथनांक कम होगा। तो हमने इसको रीजन हमने यहाँ पर लिखा है कि जो गलनांक क्वथनांक है ये बहुत अधिक होते हैं, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल इनमें उत्पन्न होता है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक यानी कि आयनों से मिलकर बनने वाले यौगिक। ठीक है, और आयनों के मध्य जो है आकर्षण बल होता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि मजबूती से बंधे होते हैं, जो कि एक बल होता है जो कि मजबूत बल होता है। तो सेम चीज आप इसमें लिख देंगे, आप इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, देखो आप इसमें लिखेंगे आयनिक यौगिकों में मैं उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों के बीच, आयनिक यौगिकों में उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो सेम चीज आप इसमें लिखेंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें, जो चीजें समझ में नहीं आती उनको आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।